करते हैं, जो हमारा इनिशिएटिव है क्लीन एंड ग्रीन यात्रा का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एलजी साहब का एक ख्वाब है कि हमारी जो इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा है ये साफ सुथरी यात्रा रहे, स्वच्छ और हरी यात्रा और ज़ीरो लैंडफिल यात्रा रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यात्री इसको अवेयर करते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखे, साफ़ सुथरा रखे, उन्हें यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है उनके बारे में उन्हें अवेयर कराते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे और एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगा के रखी है लेडीज़ के लिए, तो उन्हें हम बताते हैं कि उस फैसिलिटी को अवेल करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफ़ी कम हद तक पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उसके साथ हमने और एक मशीन लगा के रखी है, वो एक इंसिनरेटर है जो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देता है, हमें उधर इधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से यू नो पॉल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। हम सस्टेनेबिलिटी किट्स प्रोवाइड करते हैं जो यात्री अपनी यात्रा के दौरान यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक स्टील का बॉटल आता है, एक स्टील की ग्लास है, हैंड टॉवल है, ऑर्गेनिक सोप है, स्टील का स्पून है और एक वुडन ब्रश है। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारी अगर यात्री जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारी जो ये फैसिलिटीज़ है या जो हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं उसको सुने और हमारे साथ जुड़ जाए कि हमारी जो यात्रा है उसको क्लीन एंड ग्रीन यात्रा ही बनी रहे। क्योंकि मैंने कहा कि हमारे कितना रेस्पॉन्ड मिल रहा है, काफ़ी हद तक मिल रहा है जो यात्रीज़ है, पहले लोग है आते हैं उनमें